जौनपुर बसपा प्रत्याशी श्री कला धनंजय सिंह ने जौनपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी चुनावी रणनीति की साझा। अरे आपसे नहीं, बहुत पहले से तैयारी है धनंजय जी की, और किसी को कंट्रोल कर दे रहे, आप सबको मालूम है भैया को फर्जी केस में जिस तरह से आज जनसभा की, आपने रैली की, यहाँ पर कितना लोगों का आपने को समर्थन दिया? 25 इयर्स से जौनपुर के लोगों के लिए काम करते हैं, और उनका जो मन में जो है, जैसा जात और धर्म उठकर उन्होंने सबके लिए काम किए हैं, तो इसी तरह के सब लोग उनको बहुत मानते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि हमको बहुत बहुत मौका से आशीर्वाद मिलेगी। जौनपुर को लेकर के क्या विजन है? जैसा हम ऑलरेडी सिटिंग जिला परिषद चेयरमैन हैं इधर, और पिछले 2-3 साल से हम पूरा ग्राउंड लेवल का डेवलपमेंट हम करते आ रहे हैं, और बहुत गांव हम विजिट किए हैं, और मेरा जो है ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट का मेरा सोच है, जैसा शिक्षा और हेल्थ और रोड्स, क्योंकि जब मैं चुनाव का कैंपेन में गए थे, ऐसी रोड्स थे कि ऑलमोस्ट 40 साल से वो गांव में रोड नहीं था, बट हम उस रोड को हम बनाया है, क्योंकि उस रोड उस गांव जब गए थे, लोग बोले, जैसा प्रेग्नेंट महिला थे, वो लोगों को बोल रहे हमको जब डिलीवरी टाइम पे जाने के लिए बहुत मुश्किल होते थे, तो इस तरीके से जो समस्या हो गई विलेज में, हम इसको पहला पूरी कर देंगे, जैसा बिकॉज आप सब लोग देख रहे हैं एक महीने से सोशल मीडिया, आप सब लोग फॉलो करते हैं आई एम श्योर, सो उसमें आप देख सकते हैं कि धनंजय सिंह जी के लिए कितना लोग समर्थक है, और उन लोगों का कितने सब वर्गों का इतना आशीर्वाद है, और अभी हम 4 लोगों से मिले कि उनके लिए, वो लोग जौनपुर से अयोध्या पैदल गए हैं, तो इतना प्यार और इतना उनको मानते हैं, तो हमको आई एम वेरी श्योर दैट ये इतनी लोगों का पूरा आशीर्वाद हमको भी मिलेगा। इस बार इलेक्शंस बहुत जैसा जो रोज़गार का प्रॉब्लम है और इस सब के लिए है, इसीलिए सही व्यक्ति को चूज़ करना। हमारा जो ससुर जी है, हम लोग इधर गाँव में रहते हैं, और लोगों को जो भी समस्या है कोई भी टाइम पे उनके पास आ सकते हैं, और क्या बोलते हैं, रीचेबल है, कभी भी यू नो फ़ोन में या घर में आए तो भी हम लोग अवेलेबल रहता है, उनको जो भी मदद होना तुरंत हो जाता है। धनंजय सिंह अगर बाहर होते तो क्या तस्वीर कुछ और होती? हाँ ज़रूर होती, और अच्छा होता है। क्योंकि बहुत लोग थोड़ा दुखी भी है क्योंकि वो अंदर है, बाहर है तो सब लोग और खुशी से भी ये चुनाव और खुशी से जीत। जनता का समर्थन कैसा मिला आपको? बहुत बहुत मिल रहा है, आज मेरा पूरा मन भर गया है, इतने लोगों का आशीर्वाद और इतने लोग आके हमको वेलकम किए हैं, हम बहुत बहुत। मैडम दलित कोरोट बसपा के साथ है, क्या आपके साथ क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज जुड़ रहा है? हमारे साथ हर वो वर्गों का वोट है और समर्थक है।